हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे सिक्स मैथ्स के क्लास में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेसन शुरू करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो अब आप बड़े हो गए, आपको अब ज्योमेट्री आपके सब्जेक्ट में शामिल हो गया। तो ज्योमेट्री क्या है? अलग अलग शेप्स जो होते हैं उसका स्टडी मतलब ज्योमेट्री होता है। तो हम जब ज्योमेट्री सीखते हैं तो सबसे बेसिक उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमको पता होने चाहिए। तो सबसे बेसिक हर फिगर जिससे बनती है वो क्या होता है? पॉइंट। ओके, सो दिस इज, ये क्या है? ये एक पॉइंट है। हम रंगोली बनाते हैं तो क्या करते हैं? डॉट्स बनाते हैं, और वो डॉट्स जो होते हैं उनको जॉइन करके हम रंगोली बनाते हैं, राइट? तो उसी मतलब ज्योमेट्री में सबसे बेसिक जो फिगर है वो क्या है? पॉइंट है। तो ये पॉइंट, इसके नाम दिए जाते हैं। ये पॉइंट जो है उसको नाम दिया जाता है। ये देखिए, ये पॉइंट है, इसको मैंने क्या नाम दिया? पी। कि ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो इसके अंदर मैंने ये तीन पॉइंट ड्रॉ किए, तो तीनों के मैं अलग अलग नाम दे सकती हूँ। इसको कहेंगे पॉइंट ए, इसको कहेंगे पॉइंट पी, इसको कहेंगे पॉइंट एक्स। ओके, तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू। ओके, दूसरा हमारा ज्योमेट्री में दूसरा फिगर आता है उसको कहते हैं लाइन। अब लाइन हमको तो पता है क्या होती है, ये क्या है? ये है लाइन। ओके, सो लाइन को यहां दोनों साइड में एरो बने हुए हैं। तो एरो क्यों बने हुए हैं? क्योंकि ये एरो हमको बताते हैं कि लाइन यहां जितनी दिख रही है उतनी नहीं है, वो और भी आगे दोनों साइड में बढ़ रही है। ओके, तो लाइन को एंड ही नहीं होता है, तो उसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसका अंत नहीं, ऐसी इतनी लेंथ होती है। तो लाइन की जो लेंथ होती है वो हम गिन नहीं सकते। ओके, सो लाइन के दोनों साइड में इसीलिए एरो बने हुए होते हैं। और लाइन का नाम अगर हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए, लाइन के दो कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो, ए बी। अब ये लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन इस लाइन का नाम क्या है? लाइन ए बी। या फिर आप इसको एल एम ऐसे नाम दे सकते हो स्मॉल लेटर्स में, लाइन एल, लाइन ए बी, लाइन पी क्यू। ये लाइन का नाम ऐसे इस तरह से दिया जाता है। अब ये लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट से बनी हुई है, इसके बीच में मैं और भी पॉइंट्स लिख सकती हूँ, पी क्यू। तो अब ये लाइन का जो नाम है, ये जो लाइन है इसका नाम, तो लाइन पे जो पॉइंट्स है वो दो पॉइंट्स को जोड़ के आप उसका नाम बना सकते हो। ओके, सो इसका नाम क्या है? लाइन ए बी, या फिर लाइन ए पी, लाइन ए क्यू, लाइन पी क्यू, लाइन पी बी, या लाइन क्यू बी। ये लाइन का नाम ऐसे बनता है। ओके, या फिर लाइन एल, लाइन एम, ऐसे लाइन का नाम बनता है। ओके, ये तो ये सेकेंड फिगर क्या थी? लाइन। अब तीसरी फिगर देखिए, उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब नाम से ही पता चलता है, लाइन सेगमेंट, लाइन का एक सेगमेंट मतलब लाइन का एक टुकड़ा, अ पीस ऑफ लाइन। ओके, तो लाइन पूरी लंबी जो लाइन है उसका एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है, जो छोटा सा पीस होता है, उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो ये पूरी बड़ी लंबी लाइन है ए बी, तो इसमें ये जो है यहां से यहां तक, सिर्फ यहां से यहां तक जो लाइन का टुकड़ा है उसका नाम क्या है? सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पी क्यू। ओके, तो इसको हम ये इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं सेगमेंट को। सेगमेंट के दोनों एंड में क्या होता है? डॉट होता है, पॉइंट होता है, तो उसको एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड पॉइंट। तो ये सेगमेंट सिर्फ यहां से यहां तक ही होता है, उसकी लेंथ हम गिन सकते हैं। आपको अगर कहा मैंने कि 2 सेंटीमीटर का सेगमेंट निकालो तो आप निकाल सकते हो, एक स्केल लीजिए 2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, कोई भी आप मेजरमेंट लीजिए और ड्रॉ कीजिए। अब यहां से यहां तक,
ये 15 सेंटीमीटर का सेगमेंट। ओके, तो ये क्या था, सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हमको सेगमेंट की लेंथ हम गिन सकते हैं। ओके, अगली जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका नाम है रे। रे का हिंदी में क्या अर्थ है, हिंदी में उसको कहते हैं किरण। आपको पता है सूर्य की किरण, सूर्य की किरण कैसे होती है, ये जो सूर्य है यहां से शुरू होती है वो, यहां से और हमारे यहां तक, नीचे तक, अर्थ तक पूरी आती है, ट्रेवल करती है। तो हमको पता है क्या ये डिस्टेंस क्या है, नहीं पता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है लेकिन उसका एंड पॉइंट है क्या, नहीं है, वो अनंत है, जिसका अंत नहीं, ऐसी, दैट मींस वो इनफाइनाइट है। ओके, सो ये जो ज्योमेट्री का रे जो होता है वो भी ऐसे ही होता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है रे का उसको कहते हैं ओरिजिन, ये पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट नहीं होता है, ये बीच में का कोई भी पॉइंट लेके आप उसका नाम दे सकते हो। और उसके दूसरे साइड में एरो होता है। एरो का मतलब क्या है कि उस साइड में वो किरण, वो जो रे है वो उस साइड में कंटिन्यूअस आगे बढ़ता जा रहा है, दैट मींस इट ट्रेवल्स ऑन क्यू साइड ऑफ पी। ओके, समझ में आया। तो किरण यानी रे, रे क्या होता है, एक साइड में उसका ओरिजिन होता है जो डॉट से बताया जाता है, और आगे जो उसका पार्ट है तो वो एरो से बताया जाता है। इसका मतलब वो उस साइड में इनफाइनाइटली बढ़ता है। ओके, किरण ये एक लाइन का ही पार्ट होता है। जब देखिए ये लाइन है और लाइन जो होती है वो दो अपोजिट रेज से बनती है। देखिए ये पॉइंट पी है और इधर पॉइंट क्यू है और इधर पॉइंट आर है। तो ये जो लाइन है इसमें कितने किरण है, कितने रे है, ये देखिए, ये एक रे है इधर, रे पी क्यू और रे पी आर, ये दो रेज मिलके एक लाइन बनती है। रे जो है उसका नाम जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, रे पी क्यू। अगर आपने रे क्यू पी कहा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आया। तो रे पी क्यू मतलब आपको ओरिजिन से ही पढ़ना चाहिए। ओरिजिन जो है, ओरिजिन का पॉइंट वो पहले बोलेंगे फिर उसके बाद अगला पॉइंट बोलेंगे। तो इसका नाम क्या है, रे पी क्यू। अब इसका नाम भी रे पी क्यू है और इसका नाम क्या है, इधर वाले रे का, रे पी आर। ओके, समझ में आया आपको। तो ये था रे। अगला जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका नाम है प्लेन, प्लेन। ओके, सो कोई भी प्लेन सरफेस जो होता है उसको प्लेन कहते हैं। जैसे कि अभी ये ब्लैक बोर्ड है, दिस इज प्लेन। लेकिन ज्योमेट्री में जो प्लेन होता है वो भी, जैसे लाइन कैसी होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस जितनी बड़ी हो सकती है, तो वैसे ही प्लेन भी चारों साइड में इनफाइनाइट होता है, उसका अंत नहीं होता। समझ में आया, उसका अंत नहीं होता और उसको कैसे पढ़ते हैं, प्लेन पी। लेकिन अब हर बार ये एरो से नहीं बताया जाता। ओके, अब देखिए ये मैंने पॉइंट ड्रॉ किया। अब एक पॉइंट से हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, ये जो बीच में है ना, ये है पॉइंट पी। और इस पॉइंट पी में से अभी भी मैं और भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूं जो इसके, ये पॉइंट पी में से पास हो जाएगी। तो हम एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू वन पॉइंट। सो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ओके, an infinite number of lines can be drawn through a point. अच्छा, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती है, लेकिन अगर दो डिफरेंट पॉइंट हमने लिए, ये एक पॉइंट लिया और ये एक पॉइंट लिया, इसका नाम हम P देंगे, इसका नाम Q देंगे। ओके, अगर ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे तो
तो उन दो पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं? वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिफरेंट पॉइंट्स अगर हमने लिए तो उसमें से पास होने वाली एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके ओके, एल एम एन एंड ओ, ये जो लाइंस है तो ये एक ही पॉइंट्स में एक दूसरे को मिल रही है। ओके, तो ऐसी जो लाइंस होती है जो एक ही पॉइंट में एक दूसरे को मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उन लाइंस को कहते हैं कॉन्करंट लाइंस। क्या कहते हैं? कॉन्करंट लाइंस। इफ टू और मोर लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट देन दे आर कॉल्ड कॉन्करंट लाइंस। और वो जो पॉइंट होता है, वो जो पॉइंट जिसमें से ये सब लाइंस पास हो रही है, तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, सो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ सकता है। अब ये जो दो लाइंस है, दो या दो से ज्यादा लाइंस अगर एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलती है तो उनको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये जो दो लाइंस है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सो अब ये देखिए, ये दो लाइंस हमको दिख रही है कि वो हम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन अगर हम इस तरह से दो लाइन बनाए, ये इस तरह से अगर हमने दो लाइंस बनाई, ये अगर ये लाइन एक्स है, ये लाइन वाई है, तो ये और ये लाइन, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या? ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि हमको पता है लाइन यहां तक नहीं है। ये क्या हो रही है? ये इसका एरो क्या बता रहा है? ये आगे, ये बड़ी है, यहां तक खत्म नहीं होती है, वो आगे भी है। तो आगे जाके ये क्या होती है? यहाँ इस लाइन को कट करती है, इस लाइन से मिलती है। दैट मीन्स दीज टू लाइन्स आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर है तो वो जो पॉइंट्स है उनको क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, को मतलब साथ में रहने वाले, लिनियर मतलब लाइन पर, एक ही लाइन पर रहने वाले पॉइंट्स, तो उनको क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, और अगर मैंने पूछा ये पी, यहाँ पे आर और यहाँ पे क्यू है, पी क्यू आर, ये तीन पॉइंट्स कैसे हैं? ये कोलिनियर है क्या? तो नहीं है, ये एक ही लाइन पे नहीं है, तो इनको कोलिनियर तो नहीं कहेंगे, तो इनको क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए, ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तो देखिए इसका जो डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच में का, तो वो हर जगह सेम है। ओके, तो अगर ऐसी जो लाइंस है हर जगह जिसका डिस्टेंस सेम है, तो वो कहीं एक दूसरे को टच कर सकती है क्या? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। वो आगे कितनी भी बढ़ा लो आप, चाहे आप कितनी भी आगे बढ़ा लो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। आप रेलवे लाइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो ये रेलवे लाइन तरह ही है, तो लाइन एल और लाइन एम में हर जगह आप डिस्टेंस अगर देखोगे तो सेम ही है। तो ऐसी जो दो लाइंस होती है जिनके बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह सेम होता है, वो आगे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसी दो लाइंस अगर एक ही प्लेन में हैं तो उनको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। ओके, सो लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, ये होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो दो लाइंस जो है वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ओके, जैसे कि अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड की ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली ब्लैक लाइन, दोनों जो लाइंस है तो ये कहीं पे एक दूसरे को टच कर रही है क्या? नहीं कर रही है। आगे भी अगर मैंने ये बोर्ड पूरा बड़ा कर दिया तो भी वो कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। तो ऐसी जो दो लाइंस होती है लेकिन वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ओके, तो एक ही प्लेन में जो लाइंस होती है वो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है
तो वो जो दो लाइन्स है उनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं. लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. ओके, सो ये सारी डेफिनेशंस जो है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर पूछी जाती है. अब हम प्रॉब्लम सेट की तरफ बढ़ते हैं. प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये फिगर ड्रॉ की हुई है और हमको पूछा गया है इस फिगर से कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स और लाइन, इनके नाम हमको लिखने हैं. कोलिनियर पॉइंट्स, मैंने बताया कि तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे है तो उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तीन पॉइंट्स एक लाइन में हमको दिख रहे हैं. कौन कौन से, MOT, ये हमको एक लाइन में दिख रहे हैं, बराबर. तो ये क्या हुए, कोलिनियर पॉइंट्स, राइट. तो पहला आंसर अपना क्या है, पॉइंट M, पॉइंट O एंड पॉइंट T, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. अब और एक लाइन है जिसपे तीन पॉइंट्स है, ये देखिए ये लाइन ROM, ये क्या है, पॉइंट R, पॉइंट O एंड पॉइंट M, ये भी कोलिनियर पॉइंट्स है, राइट. अब और कहीं कोलिनियर ये लाइन है क्या, नहीं, ये देखिए यहां तक ही है ये और इधर मुड़ गया है, तो ये लाइन नहीं है, दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, सो दूसरा हमको क्या पूछा गया है, रेज के नाम पूछे गए हैं, रेज. तो रेज के नाम है हम कैसे लिखेंगे, ये ओरिजिन है, सो ओ इज द ओरिजिन एंड ओ टी ये क्या है, ये है रे. ओ टी, ओ एम, ओ पी, ओ एम, ओ आर, ओ एस, ये सब क्या है, ये सारे रेज है. इसको रे लिखने के बाद ये ओ से लिखना है, उल्टा लिखना नहीं है, याद रखिएगा, आपको टी ओ नहीं लिखना है, ओ टी लिखना है, ओरिजिन से लिखना शुरू करना है. अब देखिए लाइन सेगमेंट, तो सेगमेंट का नाम हम उल्टा लिख सकते हैं. अब ये देखिए ये यहां से इधर ये रे है, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक का ही कंसिडर करेंगे तो वो क्या हुआ, वो हुआ सेगमेंट. तो सेगमेंट ओटी हम लिख सकते हैं, लेकिन रे के नाम में और सेगमेंट के नाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उल्टा लिखेंगे. तो सेगमेंट का नाम हम टी ओ लिखेंगे. ओके, तो सेगमेंट क्या लिखेंगे, सेगमेंट टी ओ, सेगमेंट एस ओ, सेगमेंट आर ओ, सेगमेंट एम ओ, सेगमेंट पी ओ एंड सेगमेंट एन ओ. ओके, तो ये क्या थे, सेगमेंट के नाम. अब हम देखेंगे लाइन्स के नाम, लाइन्स के नाम. अब लाइन का नाम हम क्या लिखेंगे, एम टी, आर एन, फिर ये लाइन है क्या, नहीं है, यहाँ पे ये भी लाइन है क्या, नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दो ही लाइन्स है, लाइन एम टी और लाइन आर एन. अब इसी लाइन को हम लाइन आर ओ भी कह सकते हैं या लाइन ओ एन भी कह सकते हैं, लाइन एम ओ भी कह सकते हैं, लाइन ओ टी भी कह सकते हैं. ओके, सो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री. मैं आशा करती हूं कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. और ये जो लेसन है इसके नीचे और भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो आप सॉल्व कीजिएगा. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके डाउट्स अगले वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्व करके दूंगी. ओके, सो हर वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. आपको बाहर कहीं भी ट्यूशन लगाने की या कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही हर लेसन अच्छे से पढ़ सकते हो. ओके, सो मेरे वीडियो देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे जो फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, उनको भी ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक आप होमवर्क करके रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कुछ भी डाउट आए तो. ओके, बाय.